मुझे लगता है कि पड़ोसी ये संदेश देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अगर रहेगा तो वो चैन से नहीं बैठेगा। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, 12 बजे 1 बजे रात तक लोगों ने प्रचार किया, स्वाभाविक रूप से इन सब कारणों से पड़ोसी के पेट में दर्द बढ़ता है। कश्मीर में शांति रहे, वहां लोग हर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए निश्चित रूप से दर्द का कारण बनता है। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे। मुझे लगता है कि पड़ोसी ये संदेश देना चाहता है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र अगर रहेगा तो वो चैन से नहीं बैठेगा। सरकार बनने से और इस घटना से मैं कोई इसका कनेक्शन नहीं देखता हूं। जिस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, 12 बजे 1 बजे रात तक लोगों ने प्रचार किया, स्वाभाविक रूप से इन सब कारणों से पड़ोसी के पेट में दर्द बढ़ता है। विलियंस क्रिकेट हुआ, 25-30 हजार लोग श्रीनगर में दर्शक के रूप में थे, कल मैराथन समाप्त हुई, फुल मैराथन और हाफ मैराथन। तो कश्मीर में शांति रहे, वहां लोग हर इस तरह के कार्यक्रम में भाग लें, मैं समझता हूं कि ये उसके लिए निश्चित रूप से दर्द का कारण बनता है। कुछ बहाने बनाकर वो इस तरह के कुकृत्य कराता है, लेकिन मुझे भरोसा है कि हमारी आर्मी और सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर के इस आतंकवाद के इकोसिस्टम को निश्चित रूप से जड़ से उखाड़ फेंकने में सफल होंगे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने? ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप सब जानते हैं, वही दो ऑर्गेनाइजेशन है। ये अपना नाम बदल बदल कर कभी TRF हो जाते हैं तो कभी कौन फोर्स हो जाते हैं, लेकिन मूलतः वही दो ऑर्गेनाइजेशन है आतंक के, जिनको हमारा पड़ोसी बराबर सह देता है, उसकी खुफिया एजेंसी भी सह देती है। सर, कुछ इन्फिल्ट्रेशन हुई है, कोशिश है, किस तरह से उनको निपटा जा रहा है? नहीं, ये सच है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई, इसको हम स्वीकार करते हैं और उन लोगों के बारे में जानकारी भी है, प्रयास भी हो रहा है, कई बार आमना सामना भी हुआ है, लेकिन मौसम, टोपोग्राफी और मक्की के कारण कई बार लोग बचे हैं। एक दो सफल ऑपरेशन भी हुए, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सफल ऑपरेशन और ज्यादा होंगे। ये हमारी टॉप प्रायोरिटी में है कि जो लोग भी इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं उन्हें उसी स्थान पर पहुंचा दिया जाए जहां उनके आका पहुंचाए गए थे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।